Good morning, dear students. How are you all? So, dear kids, today we are going to start a new chapter, which is chapter number 14, Shelter. Shelter. Shelter means, जब हम किसी जगह में बचाव के लिए रहते हैं, पनाह लेते हैं, shelter. So, let's read this chapter. We all need a house to live in. So, बच्चों, हम सभी को घर चाहिए होता है रहने के लिए, राइट? हम सभी अपने घरों में रहते हैं. अ हाउस प्रोवाइड्स अस शेल्टर फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड. जब भी बाहर बहुत गर्मी हो या बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा हो या ठंड हो, तो हम क्या करते हैं? हम सब अपने घरों में रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा घर जो है हमें बचाता है इन सब चीज़ों से. सो वी फील सेफ इनसाइड आवर होम्स. हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं. हमें ऐसा लगता है जैसे हम सेफ है अपने घरों में. सो हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो घर जो है बेटा अलग अलग तरह का होता है. योर हाउस मे बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. आपने देखा होगा अगर आप रोड पे जा रहे हो कि तरह तरह के हाउसेज होते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, किसी का साइज डिफरेंट, किसी का डिज़ाइन डिफरेंट. तो सब अलग अलग तरह के होते हैं. जो हाउस होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स होते हैं. हाउसेज में डिफरेंट साइज, शेप इन द वे दे आर बिल्ट एंड द मटीरियल यूज्ड टू बिल्ड देम. सो हाउसेज एक दूसरे से जो है डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, अलग अलग मटीरियल्स वगैरह से बने होते हैं. हेयर यू कैन सी अ वेरी गुड पजल. So you are to find out, you are to solve this maze on your books. Okay. Now next topic is what are houses made of? So घर बनते किस चीज़ से हैं? So houses are made of different materials. What is used to build a house depends upon the materials available in the vicinity. So बेटा घर जो है अलग अलग materials के बनते हैं. अब जिस area में आपने घर बनाना है उस area में कौन कौन सी चीज़ें available है, इस बात पे depend करता है कि घर किस चीज़ का हम बना सकते हैं. So here you can see a picture. So there are strong permanent houses that are also called पक्का houses. So बेटा कुछ strong permanent houses होते हैं जो एक बार बना लिया तो इतनी जल्दी सालों साल चलते रहते, इतनी जल्दी टूटते नहीं है. उन houses को हम पक्का houses कहते हैं. Here you can see the picture of a पक्का house. These houses are built with bricks, cement, iron, steel, wood and glasses. तो ये कौन कौन सी चीज़ों से बने होते हैं? Bricks, cement, iron, steel, wood, glass. आपने कभी देखा हो अपने आस पड़ोस में या अपना आपने अपना घर कभी बनते देखा हो तो उसमें जो मैसन है वो कौन कौन से चीज़ें यूज़ करता है? वो ये सारी चीज़ें यूज़ करता है. They protect people from all types of bad weather. So हर तरह का जो bad weather है, like rain है या बहुत storm आ रहा है या बहुत तूफान आ रहा है, so इन सब से ये जो पक्का house है हमारा बचाव करता है. A bungalow and an apartment are permanent houses. Now next are, there are weak temporary houses that are called kaccha houses. Here you can see a picture in which a very small and temporary type of houses, they are very weak type of houses. They are बहुत weak लग रहा है ये. ऐसा लगता है कि ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा और टूट जाएगा. तो ऐसे houses को हम kaccha house कहते हैं. And these are made up of mud, wood, straws and leaves. So इन material से kaccha house बनाया जाता है. They can get damaged during heavy rains or storms. So, अगर heavy rain हो या storm हो तो ऐसे houses जो हैं वो टूट सकते हैं. A hut and a tent are temporary houses. Next is different types of houses. अब houses की different different types होती है, अलग अलग तरह के होते हैं. Let's see what are the different types. Long ago, early man lived in caves in the forest. बहुत सालों पहले बेटा जब घर नहीं होते थे, जब इंसान जंगलों में रहता था, तो तब वो जंगलों में कैसे रहता था? जंगलों में गुफा बना के रहता था, केव्स बना के रहता था. स्लोली ही लर्न टू यूज लॉग्स ऑफ वुड एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू मेक हट्स. फिर धीरे धीरे उसने लकड़ियों से और पेड़ों की टहनियों से उसने जो है घर बनाना सीख लिया. इवन टूडे सम पीपल लिव इन हट्स बिल्ड विद वुड, लीव्स एंड
मड. सो आज भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे रूरल एरियाज़ हैं या ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, और वो झोपड़ियाँ किन चीज़ों की बनी होती है? वुड लीव्स या मड्स की. सच हट्स आर फाउंड इन सम विलेजेस एंड इन सम फार अवे एरियाज लाइक फॉरेस्ट. तो ऐसी झोपड़ियाँ हमें कहाँ पर मिलती हैं? या तो विलेजेस में या फिर जंगलों में. Houses with sloping or slanting roofs are found in hilly areas and places where it rains or snows heavily. So hilly areas में बच्चों जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है या स्नो गिरती है, तो ऐसे घरों की जो छतें होती हैं वो slanting होती हैं. Right, slanting होती है, टेढ़ी होती है. The slanting roofs may be made with leaves and branches or with clay tiles or other strong materials. तो जो स्लांटिंग होती हैं रूफ्स, उनको हम किन चीज़ों से बना सकते हैं? उनको हम क्ले से बना सकते हैं, या हम कुछ लीव्स या ब्रांचेस से हम उनकी ऐसी छतें, स्लोपिंग छतें बना सकते हैं, स्लांटिंग छतें बना सकते हैं. यू कैन सी सम पिक्चर्स. दिस इज केव इन विच मैन यूज टू लिव इन ओल्ड टाइम्स. एंड देन वी हैव अ कच्चा हाउस लाइक हट, a house with a slanting roof, right, so that it can protect ourselves from heavy rain or snow